मार्क्सवादी इतिहासकारों को न जाने क्यों भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता से चिढ़ है। उनके इतिहासकारी का सारा दम भारत की सांस्कृतिक विरासत और एकता को विखंडित करने में लगता है। अपनी इसी साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी सिद्ध करने की कोशिश की और ऐसा नैरेटिव सेट किया कि आर्य तो इस देश के मूल निवासी है ही नहीं। सबसे अफसोस इस बात का है कि अपने इस मनगढ़ंत सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए ये छठी क्लास के मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शते। आर्य को बाहरी बताने की साजिश, संस्कृत को कमतर बताने का पाप, वामपंथी इतिहासकारों की जगलरी, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ और मनगढ़ंत इतिहास की घुट्टी मासूम बच्चों के गले उतारने की अद्भुत कला वामपंथी इतिहासकारों की विचारधाराई विशेषता है और अपनी सनातन विरोधी मुहिम के लिए उनके पास सबसे टेस्टेड हथियार है एनसीईआरटी। छठी क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक के बच्चों के मन में भारत की गौरवशाली संस्कृति और अतुल्य धरोहरों के प्रति नफरत पैदा करना इनका एक सूत्री एजेंडा है। आजादी से पहले ये काम फिरंगी इतिहासकार करते थे, आजादी के बाद इसकी ठेकेदारी मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अपने हाथ में ले ली। वामपंथी इतिहासकारों की सबसे बड़ी मुहिम ये है कि येन केन प्रकारेण प्राचीन आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी और संस्कृत को आयातित भाषा साबित किया जाए। इसके साथ ही ये स्थापित किया जाए कि दक्षिण भारतीय भाषाएं संस्कृत से अलग हैं। देखिए अपनी इस मनगढ़ंत थ्योरी को एनसीईआरटी के किताबों में कैसे स्थापित करते हैं वामपंथी इतिहासकार। छठी क्लास की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब हमारे अतीत भाग एक के पेज नंबर 44 पर क्या लिखा गया है उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पैनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। साधारण सा दिखने वाले इस पैराग्राफ में उड़ेला गया वामपंथी फितूर शायद आपकी समझ में आ गया हो। दरअसल ये छठी क्लास के मासूम बच्चों के कोमल दिमाग में ये भरना चाहते हैं कि उत्तरी और मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं, यानी ये मध्य एशिया या यूरोप से आए आर्यों की भाषा हैं। कुल मिलाकर ये साबित करने की कोशिश है कि प्राचीन भारत की साधना संस्कृति का आधार रही संस्कृत भाषा भारत की मूल भाषा नहीं है। लेकिन भाषा के इस मनगढ़ंत और तथ्यहीन विभाजन के इस कोशिश में उन्हें तसल्ली नहीं हुई तो आगे इसी पेज पर इसे और स्पष्ट कर दिया। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। वामपंथी इतिहासकार हिंदुस्तान या भारत जैसे शब्द से परहेज करते हैं। जहां भारत की बात होती है तो वे उसे उपमहाद्वीप लिखते हैं ताकि राष्ट्रीयता की भावना की भ्रूण हत्या हो जाए। रही बात संस्कृत और द्रविड़ियन की तो इस सहज झूठ के जरिए वामपंथी इतिहासकार अपनी उसी पुरानी साजिश के मनगढ़ंत रेखा चित्र में रंग भरने का काम कर रहे हैं जिसके तहत उन्होंने आर्यन और द्रविड़ियन के बीच विभाजन की काल्पनिक रेखा खींची है। अगर आप जिन्हें आज हम दक्षिण की भाषाएं कहने लग गए हैं उनकी और संस्कृत की जो व्याकरण है या जो सिंटैक्स जिसे हम कहते हैं उनको मैच करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समानता है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसे शब्दों की है जो आपस में मैच करते हैं, एक दूसरे से लिए हुए शब्द हैं। लेकिन
आज की तरह अंग्रेज़ों के समय में भी जो लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट था उसमें दो तरह के लोग थे। एक वो ग्रुप था जिसका ये मानना था, जो आज हम मान रहे हैं, कि ये भाषाएं आपस में मिलती हैं और एक दूसरे से इन्होंने शब्द उधार लिए हुए हैं। लेकिन दूसरा एक ग्रुप था जो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा प्रभावशाली था। ये वो लोग थे जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को हमारे देश में फैलाना चाहते थे। उनका उद्देश्य यहाँ पे लोगों को, जो पॉपुलेशन है उसे बांट के उनको कन्वर्ट करने का था, क्योंकि बांट कर अगर आपस में उनमें सामंजस्य नहीं है तो उनको कन्वर्ट करना आसान है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्रुप था ये ज़्यादा प्रभावशाली था, इन्हीं की थ्योरी को एकेडमिक्स में डाला गया और इन्होंने ये बात कभी स्वीकार नहीं की कि ये भाषाएँ आपस में मिलती हैं। दिक्कत यह है कि ऐसी मनगढ़ंत बातों को स्थापित करते हुए विचारधारा इतिहासकार संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के शोध कार्यों और स्थापनाओं को नजरअंदाज करने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि बाबा साहब का साफ मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने में सक्षम होगी। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान इस थ्योरी से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि संस्कृत और द्रविड़ियन भाषा अलग अलग भाषा परिवार का हिस्सा है, क्योंकि भाषा विज्ञान का मानना है कि द्रविड़ियन भाषाओं की 80% शब्दावली संस्कृत से आई है। वामपंथी इतिहासकारों को अपने देश के विद्वानों पर कम, गोरे अंग्रेजों पर ज्यादा भरोसा रहता है। लिहाजा हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साल 1944 से 1976 तक संस्कृत के प्रोफेसर रहे थॉमस बरो का ही उदाहरण लेते हैं। अपने शोध कलेक्टेड पेपर्स ऑन द्रविड़ियन लिंग्विस्टिक्स में थॉमस बरो ने लिखा है, संस्कृत के हजारों शब्द किंचित परिवर्तनों के साथ तमिल भाषा में मिल चुके हैं। इसी तरह संस्कृत ने बड़ी संख्या में तमिल से शब्द ग्रहण किए हैं। दरअसल थॉमस बरो का यह शोधकार 1968 का है, यानी औपनिवेशिक काल के बाद का। जाहिर है इसमें मिशनरीज इतिहासकारों का वो दुराग्रह नहीं है जिसके उत्तराधिकारी भारत के वामपंथी इतिहासकार बन गए। इसीलिए थॉमस बरो वही लिख रहे हैं जो सच है। उनके मुताबिक द्रविड़ियन और संस्कृत एक ही भाषा परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन एनसीईआरटी के परम विद्वान छठी क्लास के बच्चों के लिए स्पष्ट विभाजन रेखा खींच रहे हैं। अगर आप लिंग्विस्टिक्स की, या जिसे आज हम भाषा विज्ञान कहते हैं, उसका पूरा इतिहास देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही लिंग्विस्टिक्स पर आज तक भी है कि जो विदेशी थे, स्पेशली जो वेस्ट के लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, उनका कब्जा रहा है। तो ये जो संस्कृत को वो ओन करना चाहते थे, देखिए कोई भी जो चीज़ बहुत श्रेष्ठ होती है आप उस पर कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, तो इन्होंने जो वेस्ट के स्कॉलर्स थे उन्होंने भी यही किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में उस समय जब कोलोनियल पीरियड चल रहा था, उस समय जर्मनी की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो था, क्योंकि उनके पास अपनी श्रेष्ठता के लिए कुछ था नहीं। तो उनके जो लिंग्विस्ट्स थे उन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की कि जो संस्कृत है वो यूरोप की भाषाओं के ज़्यादा क्लोज है, जबकि जो बाकी की जो मूल भारत की भाषाएं हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये उनका एक उद्देश्य इससे, जो ये लिंग्विस्टिक थ्योरी है इससे पूरा हो जाता था। दरअसल वैचारिक विश्व भरे इन इतिहासकारों को ये बताने में दिक्कत है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए ये उसको यूरोपीय भाषाओं से जोड़ देते हैं, जबकि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। ईसा से 500 साल पहले पाणिनि नाम के महान विद्वान द्वारा लिखा अष्टाध्यायी दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से पाणिनि के अष्टाध्यायी में दिए गए सूत्र दुनिया की हर भाषा के व्याकरण के सूत्रधार माने जाते हैं। पर अफसोस कि हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि हिंदुस्तान का अतीत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसके बदले ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति भेदभावपूर्ण, अमानवीय और शोषक प्रवृत्ति की रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान की संस्कृति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत रही है, और यही अपने बच्चों को समझाइए, यही है असल वंदे मातरम। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।